हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो हैप्पी करवा चौथ टू ऑल। आज हम सेलिब्रेशंस के लिए कुछ तैयारी करने जा रहे हैं और कल करवा चौथ सेलिब्रेट करेंगे। वीडियो तो अपलोड हो जाएगी, बट उससे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन दबाना मत भूलना और इस वीडियो को जरूर से लाइक करके नीचे कमेंट करिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं मेहंदी के लिए कुछ चीजें पता करने। उसके बाद हमने मास्टर को लहंगा दिया था, कुछ चीजें ऐसी करानी थी। उस लहंगा खरीदने के बाद हम कुछ छोटी मोटी चीजें या मेहंदी लगवाने जाएंगे। तो गाइस चलते हैं। पहले तो हम अपने आसपास के मार्केट में मेहंदी वगैरह का पूछने जा रहे हैं। मैं इंट्रोवर्ट यहीं खड़ के वीडियो बना रही हूँ, छोटा सा शॉट ले रही हूँ, कोई देख ना ले। इतनी शर्म आ रही थी, पता नहीं क्यों। मम्मा पूछ रहे हैं मेहंदी के बारे में, अब कैमरा बंद कर दिया मैंने। यहाँ से निराशा मिली और हम जा रहे हैं बाई सेक्टर जा रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे, अभी यहाँ पे मम्मा ने पूछा था मेहंदी का, मम्मा का और कुछ अगर मेहंदी वगैरह का हुआ तो वहीं से देखेंगे, वरना हम अपने लगवाएंगे हमने जहाँ से सोचा हुआ है। मैं तो अभी छोटी सी थी, चलते हैं आप बाई सेक्टर में। तो गया बट मैं वहाँ छोटा सा ही शॉट लूंगी, क्योंकि मैं वहाँ पे इतनी बड़ी वीडियो बना नहीं सकती, इंट्रोवर्ट ही बड़ी हूँ मैं। बाद में एक्सट्रोवर्ट में बदल जाएंगे। पहले तो हम अभी जिस शॉप में पहुँच गए हैं, हम छोटी सी वीडियो ऐसे शर्मा शर्मा के बनाई है मैंने। ये देखो, देखो ये मम्मा का लहंगा हमने ले लिया, बट मैं बाद में दिखाऊंगी पूरा का पूरा जब हम लाइक तैयार हो जाएंगे पूरे। यहाँ पे एक अंकल इतना सुंदर गाना गा रहे हैं ना सामने, बहुत सही है। और यहाँ पे मेहंदी की निराशा मिलते हुए हम फिर से जा रहे हैं कहीं और। पहले तो हम खाना यहाँ से खा लेते, इतना कुछ खाया है, पेट भर गया मेरा। इस शॉप से हमने इतनी चीज़ें ली, अब हम मेहंदी लगवा के अब हम घर आ चुके हैं। ये तो मेरी मेहंदी है, मैं दिखाई थी आपको, उतार दिए मैंने, मतलब ऐसे जब सूख जाती है। और अब मम्मा ने इतनी ज्यादा तारीफ करी है ना, मतलब इतने पैसे खरीदे। कोई ना, एक ही तो बार आता है, अब करवा चौथ अच्छी बात है, चलो खर्चे हैं तो ठीक है। अब तो चलो रात हो गई है, मैंने सोचा कि मैं भी करवा चौथ का व्रत रखूंगी, रख लेते हैं यार, कोई नहीं होता। हाँ कुछ और मैं सोच रहा, आई एम इनोसेंट बच्ची, मैं नॉर्मली रख रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है ठीक है। और कल सुबह 4 बजे उठ के नहा धो के तारों की छाया में खाते हैं ना खाना, करवा चौथ के व्रत के लिए स्टार्टिंग होती है। अगर मैं ना उठ पाई तो वो पूरा दिन ऐसे रखना पड़ेगा व्रत, बट मैं उठ जाऊंगी। मुझे पता है, मैं पिछले साल में मैंने पहली बार व्रत रखा था और मैंने कर लिया था ठीक है। शुरू में होता है कि भूख लगेगी, तो फिर ना बाद में गर्मी होती है तो लगेगी नहीं भूख, बस नॉर्मल होता है करवा चौथ का व्रत, इजी है। अब मैं अपना स्किन केयर वगैरह करके फ्रेश फ्रेश होके कपड़े कपड़े बदल के सोने जा रही हूँ, मिलते हैं सुबह। 2000 years later 4 बजे उठ गए हैं और मैं भी उठी हुई, मतलब अपने बेड पे ही उठ के भी। और मेरा ना मन नहीं कर रहा व्रत रखने का, काजू कतली देख के पता नहीं मैं रखूँगी, मम्मा आएंगे तो बोलती हूँ। अभी मैंने मम्मा से पूछा कि मैं रख लूँ व्रत, तो मम्मा ने कहा रख ले व्रत। मैं सोच रही हूँ रख ही लेती हूँ। चलो अभी मैं ब्रश करने जा रही हूँ, फिर उसके बाद नहा धो के तैयार होके बात करते हैं। मुझे हैवी ड्रेसेस नहीं पसंद, तो मैं नहीं पहनने वाली, मैं नॉर्मली कैजुअली पहनने वाली। ब्रश करते करते मुझे याद आया मम्मी पापा की आज एनिवर्सरी 1 नवंबर को होती है। मैंने मम्मा को विश कर दी, पापा को विश करने गई, मैंने उनको नींद से उठा दिया और भगा दिया वहाँ से।
मैंने करनी है, मेरी आंख लाल हो गई लग रहा है। अब मैं जा रही हूँ नहाने। नहीं सर, मैं नहा ली हूँ, मैं तैयार हो गई, बस बाल रहते हल्के से गीले हो गए रहते, इसलिए मैं बाल भी रही हूँ। और अभी हम प्रसाद चढ़ाने जा रहे हैं। अभी हमने प्रसाद वगैरह चढ़ा दिया भगवान को जो हम लाए थे सारा। अब मम्मा खाना बना रहे हैं, अब हम खाना खाएंगे ना, तो सुबह खा सकते हैं व्रत में, सिर्फ तो अब खाएंगे। नाइस, खाना आ चुका है। मैंने रोटी खा ली है, यहाँ मम्मा ने ये दी है, क्या कहते हैं इसको, सेवियाँ दी है, और ये मम्मी ने नारियल भी दे दिए। मैं ये खा के ना बाद में बात करती हूँ, टाइम ना वो हो जाए, आगे चल जाए, फिर मैं खा नहीं पाऊंगी। चलो बाय गाइस, तब तक के लिए। पेट इतना भर चुका है ना ये सब खा के, रोटी, सेवियाँ, फिर काजू कतली, फिर पानी, पानी दो बार पिए, फिर अब चाय बची है, थोड़ा टाइम बचा, चाय भी पी लगती हूँ वगैरह, तब पेट भर गया। चलो कोई ना, अच्छी बात है। अभी 2 बजने वाले हैं और अब मम्मा की मैं स्ट्रेटनर से ना, मैं बहुत मुश्किल से मनाया कि मेरे से स्ट्रेट करा लो बाल, घर पर स्ट्रेटनर है तो ट्राई मारते हैं कि मम्मा के स्ट्रेट कर सकती मैं बाल की नहीं। मम्मी के बाल कट दिए, स्ट्रेट दिखाती हूँ, लग तो स्ट्रेट ही रहे हैं, कैमरे में इतने स्ट्रेट नहीं आ रहे, बट वैसे है स्ट्रेट। गाइस, मैंने मम्मा का मेकअप भी कर दिया बाल स्ट्रेट करने के बाद, ये देखो, मैं प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। बस अभी मम्मा के वो रहते मस्कारा रहता है, मम्मा के बिंदी और वो क्या होता है, सिंदूर रहता है। मैं तो अब रेडी हो चुकी हूँ, ये मैंने हेयर स्टाइल ऐसे ही सिंपल लिया था, वैसे ही 2 मिनट और एक ऐसे कुछ करके, और मैंने ये पहन और एक नीचे ये जीन्स और ये। गाइस, मम्मा का आपने लुक तो देख लिया, और ये अभी हम मंदिर आ चुके हैं पूजा के लिए, सारी पूजा हो रही है, इतने अभी तो कम लोग हैं ना, बाद में जब वो मंदिर गए थे ना, इतने ज़्यादा रश था ना, मतलब कहीं से कहीं जाने का रास्ता बचा ही नहीं था। मतलब अभी यहाँ पे हम जिस टाइम हम आए हैं 4 बजे के करीब, ठीक है, हमने 3:30 आया था, बट किसी कारण थोड़ा लेट हो गए हम, ठीक है। अब इतना यहाँ पे हो गया था ना रश, मतलब पैर रखने की जगह मुश्किल से मिल रही थी। यहाँ पूजा स्टार्ट हो रही है, अभी आंटियाँ वगैरह ऐसे बैठे हैं अभी, मैं तो अभी सबके क्लोजअप ही ले जा रही हूँ। देखो पूजा में लाइक ना ऐसे करके, मतलब कुछ बोल रहे होते, मैं भूल गई क्या बोल रहे थे, उसमें ऐसे पास करते हैं थालियाँ एंड ऑल। ये मेरी फ्रेंड प्रीमी है, और यहाँ पे इंटरव्यू वाले भी आए थे, मेरे मम्मी भी है, वो देखो पर्पल कपड़ों वाले, मतलब पर्पल टाइप में। फोटो सेशन खत्म हो गया, अब हम सूरज को अर्घ देने जा रहे हैं। आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं अपना करवा चौथ का व्रत तोड़ने जा रही हूँ चंद्रमा को देखकर, उसके बाद गाइस अभी हम मून को ढूंढ रहे हैं बाहर, आगे बड़ा अंधेरा है। ये हम पेट्रोल पंप पे आ गए हमारी। यो गाइस, यार मेरे को तो ठंडी बड़ी लग रही है, पता नहीं ये मम्मा मेरे, मतलब इतनी दूर जाना है ना अभी, हमें तो दिख ही नहीं रहा है मून, इतनी देर की मंडरा रहे, इतनी पीछे से, इतनी आगे आ गए हम, 200 किलोमीटर चल के 400 किलोमीटर और चलना पड़ेगा। वो देखो इतनी दूर और जाना है, यहाँ से दिख नहीं रहा है ना, ये आंटी सामने खड़ गए, इतनी दूर जाना था हमने, इतना दुख। मेरे को ठंड लग रही है, मैं तो मेरी बाजू में अंदर कर रही हूँ भाई, ऐसे फॉग सी हुई पड़ी आगे, मैं तो वीडियो में पता नहीं क्यों नहीं आ रही मुझे तो ऐसे, मतलब भूख भी इतनी लग रही है ना इतनी देर की, बट भूख जब तक लगेगा नहीं तो तब तक खा नहीं सकती ना मैं। वो अभी हमें मून ही नहीं मिल रहा है, पहले मेरे पापा को लगा कि सामने मून है, तभी मैं कैमरा हिला रही थी देखने के लिए, ठीक है, हमें लगा मून है, फिर पापा ने गौर से देखा वो तो लाइट थी, फिर पापा ने बोला नहीं नहीं गूगल का होएगा ये जो ऊपर उड़ता रहता है, वो देखो देखते अगर मिल जाए तो, मून भगवान मिल जाए मून प्लीज़।
मेरे मम्मा कह रहे हैं वो अभी व्रत तोड़ने जा रहे हैं। पति उनको क्या पता कितनी मेहनत दिखती है, फास्ट रखने में कितनी भूख लग रही है यार। कुछ हो गया था ग्लिच, आवाज़ सारी पता नहीं म्यूट हो गई पीछे से, मेरे को सारा कवर करना पड़ रहा है, इतना दुख। हाय हाय, अभी पापा कह रहे फिर से, मैं लग रहा है कि कहीं मून है शायद, पता नहीं। चलते जा रहे मैं थक गई हूँ भाई, मेरे को कितना अंधेर है आसपास, ऐसा लग रहा है सुनसान सड़क है, मतलब ज़्यादा नहीं बट ठीक ठाक। मैं थक गई हूँ, मेरा कसम से यहाँ बैठने का मन कर रहा है भाई, कोई मुझे बिठा दो। व्लॉगिंग करते हुए भी ऑटो वाले इतने हॉर्न मार के जा रहे थे ना, दिमाग ख़राब हो रहा था, दिख नहीं रहा बंदा चल रहा है, कैमरा पकड़ा हुआ है, रोक लेते हैं बस। अरे वो रामून मिल गया हमें, रेड कलर का वो कपड़ा बहुत मस्त लग रहा है, क्लोजअप मारा हुआ है मैंने भाई, रियलिटी में इतना सुंदर लग रहा है ना, ये वीडियो में पता नहीं दिख नहीं रहा है इतना सुंदर, इतना सुंदर। अब मम्मी पूजा स्टार्ट कर रहे हैं। अभी पहले ये जोत जगा रहे हैं। गाइस हवा इतनी तेज़ चल रही है ना कि यहाँ पे ना लिटरली जोत जगाने में इतनी मुश्किल हो रही थी, और ये सारा प्रसाद है। और अब मम्मी आरती करेंगे, जो आरती कहते हैं शायद वो सूर्य देवता जी की, पहले तो हम बुझ रही है ना बार बार, तो उसकी हवा रोक रहे हैं इतनी मुश्किल से दो एक बार बुझ भी थी, बाद में बुझी थी तो जैसे जय करने के बाद, हाँ पता नहीं कब बुझी थी मैं भूल गई। अब माँ करेंगे जय, यहाँ व्रत भी तोड़ रही है। सबसे पहले तो चंद्रमा जी को अर्घ देंगे मम्मा, वो देखो ये मम्मा अर्घ दे रहे हैं तो चंद्र देवता जी को, सामने चंद्रमा है और यहाँ मम्मा अर्घ दे रहे हैं उन्हें। मम्मा देख रहे पानी है बाद के पीने के लिए कि नहीं, ये कितना सुंदर लग रहा है मून। और ये मम्मा पापा की देख रहे थे तो मैंने फ़ोटो ली थी, ये कुछ मेमोरीज है। और पापा के अच्छा चंद्र देवता जी की वो आरती कर रहे हैं यहाँ पे मम्मा, अब सूर्य जी की आरती करके लाइक अभी वो चावल होते हैं वो ऐसे मतलब मेरे को पता नहीं क्या होता है, शायद टिक्का है आई डोंट नो। अब मम्मा पापा को क्या कहते हैं मतलब पापा को कह रहे हैं शूज़ उतारो, फिर अब मम्मा अब पानी पियेंगे मम्मा आई गेस, पहले तो मम्मा आरती करेंगे पापा की वैसे जैसे करते हैं है ना। और पापा ने कहा जो छड्डी देख रहा भूल गई, हम हंसने लग गए थे वहाँ पे। और अब मम्मी छन्नी देख रहे हैं, छन्नी से देख रहे हैं और मैं सामने आके जानबूझ के चिढ़ा रही थी। और इसके बाद अब मम्मा को पापा नहीं मम्मा पापा ऐसे लाइक काजू कतली मम्मा पापा को देख रहे हैं छन्नी से, और मैंने बोला पोज लेने तो आपने नीचे रख दी। मैं अब मम्मा काजू कतली खिला रहे, पापा ने कहा पहले तू खाना, मम्मा ने कहा कोई ना आप खा लो पहले फिर मम्मा पानी पियेंगे इतनी खुशी से, ठीक है। और अब इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई वाली, नींद याद आ रही है। और अब काजू कतली खाएंगे, वाह 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 मौज कर दी। और मेरे को मम्मा ने कहा कि तू भी लेना, मैंने बोले गीली क्यों है दी, मैंने खा ली बहुत ही यम्मी है। अब तो सारा व्लॉग हो गया, बस मम्मा यहाँ पे रख रहे हैं दिया और अब मैं भी जा रही हूँ। गाइस इस व्लॉग का एंड हो चुका है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, बाय बाय।